देश भर में आजादी के स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कोई तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा है घर घर, और कोई अलग जगा रहा है घर घर। किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, और राजस्थान में किस तरह की तैयारी हो रही है 15 अगस्त को लेकर, तिरंगे को लेकर, स्वाभिमान को लेकर किस तरह से तैयारी हो रही है और क्या कहना है? हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं। देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। जी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और मैं सोचता हूँ कि इस आज़ादी को प्राप्त करने में जिन लोगों का भी सहयोग, बलिदान, संघर्ष जो रहा है, उनको स्मरण करना कि उन्होंने ये आज़ादी आपको और मुझे दिलाई किसके लिए थी, उसका उद्देश्य क्या था, देश को किस ढंग से आगे ले जाना था और यहाँ के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से सुख संपन्न बनाना और संस्कारित करके देश हित में काम करने के लिए उसको जुटाना, ये हमारा लक्ष्य था। और मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को घर घर तिरंगा लगाकर इस तिरंगे के कारण से बलिदान हुए लोगों को याद करना, तिरंगा के स्वाभिमान को और इसके सम्मान के लिए हजारों फौजियों ने अपनी जान कुर्बानी करके भी देश के इस तिरंगे को ऊंचा रखा। लोगों का इस तिरंगे के प्रति एक अनन्य श्रद्धा है। उस तिरंगे को घर घर तक पहुंचा करके लोगों को देश के स्वाभिमान से, देश के उस जागरण से, राष्ट्र प्रेम से और अपने अतीत से जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग इस बार देश के प्रधानमंत्री जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम देश के स्वाभिमान का कार्यक्रम है। घर घर तिरंगा, इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सीपीआई हो या सीपीएम हो, हर व्यक्ति इस उत्सव को, अब की बार के 15 अगस्त के उत्सव को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के स्वाभिमान के जागरण में सहयोग करें, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ ये प्रयत्न जितना सफल होगा, उसमें केवल अकेली बीजेपी नहीं, हर व्यक्ति जो इस देश से प्रेम करता है वो इस अभियान का सहयोगी बने, सहयोगी बन करके लोगों को जागृत करके उनके घर तक ये तिरंगा पहुँचाए और तिरंगा लगाए, और देश को ये लगे कि वास्तव में अब की बार का ये 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव का उत्सव संपूर्ण देश में एक जागरण का और एक देश स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा उत्सव बने, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कटहरे जी, जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा भी याद आ रहा है, अब महात्मा गांधी भी याद आ रहे हैं और सरदार पटेल भी याद आ रहे हैं, क्या कहना है? किस तरह से आप देखो, हमें तो महात्मा गांधी प्रारंभ से ही याद है। महात्मा गांधी नाम का महात्मा गांधी नहीं है, आचरण और जीवन का महात्मा गांधी है, समर्पण का महात्मा गांधी है, स्वाधीनता के लिए संघर्ष का नाम महात्मा गांधी है। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इन 70-75 वर्षों में केवल गांधी गांधी शब्द रख लिया और गांधी के उन सब आदर्शों को दफन कर दिया। अगर गांधी के उन आदर्शों के आधार पर चलता तो आज कांग्रेस को यह अहिंसा, शांति यात्रा और कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। आज फिर से गांधी को जनता तक पहुंचाने के लिए आप ये अभियान कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो काम करना था वो आपने इन 70 वर्षों में नहीं किया। उसके कारण से देश गांधी के असूलों को भूल चुका था, केवल नाम याद रह गया, और वो भी इंदिरा गांधी के कारण से, राजीव गांधी के कारण से, सोनिया गांधी के कारण से, राहुल गांधी के कारण से आप उस नाम को रट रहे हो। अगर आप वास्तव में गांधी के पथ पर चलते तो आज जो आपकी दुर्गति हुई कि संपूर्ण देश में लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी केवल 2 राज्यों में फंस करके नहीं ख़त्म होती, और लोकसभा में भी एक तरह से उसका जिस प्रकार का बहुमत है, राज्यसभा में जैसी स्थिति बनी है, ये स्थिति नहीं बनती। तो मैं सोचता हूँ कि आज आपको ये जो अभियान चला, ये एक नाटकबाजी है। अगर वास्तव में गांधी को याद करना चाहते हो तो गांधी के जीवन को याद करो, उसकी ईमानदारी को याद करो, उसको देश के प्रति समर्पण को याद करो, उसके उन मूल्यों को याद करो जिसमें गरीब को गणेश मान करके उसने सेवा की, उसने नीचे से नीचे जाति को अपने बराबर और साथ लाने का प्रयास किया, उनका
एक तरह से अछूतोद्धार जिसको कहते हैं, जिस प्रकार का हमारे समाज में ये एक ऐसा दुर्गुण छा गया था उसको समाप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने जीवन भर संघर्ष किया और उनको भी एक सम्मानपूर्वक जीवन देने के लिए प्रयास किया। दुर्भाग्य यह कि कांग्रेस उन असूलों को भूल गई और केवल गांधी गांधी शब्द याद रह गया और उसी की रट करते हैं। देश के स्वाभिमान के लिए कई और भी देश के ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने देश बनाने में, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कार्यक्रम किया, जीवन भर तक संघर्ष किया, जिन असूलों पे जिया, आज उसके नाम से इस गांधी परिवार ने एक पत्थर भी कहीं लगाने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब यह है तुम्हें गुण पसंद नहीं है, तुम्हें नाम पसंद है और उसके पीछे ही तुम लगे हुए हो। उसके कारण से आज तुमको फिर से तिरंगा यात्रा के बारे में सोचना पड़ रहा है, फिर से तुमको जन जागरण के बारे में सोचना पड़ रहा है, प्रभात फेरियों के बारे में सोचना पड़ रहा है, अहिंसा यात्रा करो, ये करो, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आप 70 वर्षों तक महात्मा गांधी के रास्ते पर चल करके देश को आगे बढ़ाते तो आज मैं सोचता देश कहाँ से कहाँ होता। तुम्हारे किए हुए उन कर्मों को आज देश भुगत रहा है। हम फिर से महात्मा गांधी के उन असूलों के साथ देश को जोड़ना चाहते हैं, नाम के साथ नहीं, उसके कर्म के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ नाम भी सार्थक होगा और कर्म भी सार्थक होगा। कटहर जी, राजस्थान में चुनाव निकट हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब आने वाले हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, क्या ये कार्यक्रम आगामी चुनावों को लेकर और इसमें लाभ प्राप्त करने के लिए देखा जा सकता है, या फिर और कोई मंशा है पार्टी? मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष पहले तो नहीं हुए, अमृत महोत्सव पहले तो नहीं आया, स्वर्ण जयंती अवसर जरूर आया था। जिन लोगों ने स्वर्ण जयंती के समय इस देश पर राज्य कर रहे थे उनको भी कम से कम इस स्वर्ण जयंती को तो इस अभियान से अगर जोड़ते तो ऐसा लगता कि वास्तव में तुम्हारे दिमाग में भी देश की स्वाधीनता के बारे में कोई उत्साह और उमंग है। तुम अब समाप्त होते जा रहे हो, अपने आप को बिल्कुल मिटिया मेट तुमने कर दिया अपने चरित्र के कारण से। कोई ईडी में फंस रहा है, कोई इसमें फंस रहा है, किसी को जेल जा रहा है, कोई जमानत पे छूट रहा है, कोई आज आ रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई जमीन खा रहा है, कोई टेलीफोन के तार खा रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई मकान खा रहा है। जिस पार्टी की यह संस्कृति बन गई वो महात्मा गांधी रटने के पहले विचार करो कि तुम्हारी दुर्गति हुई क्यों। अगर ये पहले ही विचार करते तो तुम्हारी ये स्थिति आज देश की जनता तुम्हारे साथ नहीं करती। तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए तो देश के लिए बनाए। हमारा आधार और हमारा जो पूजा का जो देव है वो राष्ट्र है और हमने हमेशा इस राष्ट्रीय जागरण को पैदा करने का प्रयास किया है और लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी के पहले से शुरू किया, हमें पता नहीं था कि हम इस समय आकर के कोई देश में राज की पार्टी बनेंगे। हम तो देश के मूल्यों को जिंदा करने के लिए 100 साल से प्रयत्न कर रहे हैं और आप में से अधिकांश की पैदाइश उसके बाद है। तो मैं सोचता हूँ कि उस दृष्टि से आपको विचार करना चाहिए कि वास्तव में देश से प्यार करते हो या गांधी शब्द से प्यार करते हो। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर भी माना जाता है और एक आम जन राजस्थान में उन्हें गांधी जी के पथ पर चलने वाले एक उपयुक्त उनको मानते हैं, क्या कहना है गहलोत जी जिस तरह से? अगर गहलोत जी में गांधी जी और गांधी जी के जीवन के असूल होते तो पिछली विधानसभा में 21 नहीं रहते। मतलब जब 21 रह गए तब तो 5 साल तक आकर के इस विधानसभा के सदस्य होते हुए भी जनता के लिए एक शब्द जो आदमी ना बोले वो क्या देश की जनता का ध्यान रखता है। ये तो सौभाग्य है कि पायलट ने मेहनत करके जिन मरी हुई पार्टी को फिर से जिंदा किया और आप बहुमत के नज़दीक पहुंच गए और उसके कारण से राज में आ गए तो उसको नकारा, नाकाबिल, अंग्रेजी बोलने वाला ये कहकर के तुम अपमानित करते हो। इसका मतलब तुम्हें और तुम्हें केवल और केवल तुम्हारी कुर्सी चाहिए, इसके लिए तुम जैसा भी कुछ कर सको करने के लिए तुम तैयार हो। उसी का परिणाम तुम्हारी पार्टी भी भुगतेगी और तुम स्वयं भी भुगतोगे। ये जो जादूगर जादूगर है ना, ये जादूगरी की जादूगरी नहीं चलती है। जादूगरी शरीर और मन वचन कर्म से जब व्यक्ति काम करता है तब जादूगरी चलती है। अब की बार ये जादूगरी भी देख लेंगे कि आप कहाँ हो और आपकी जादूगरी कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है आगामी
सालों को लेकर, चुनावों को लेकर। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही, चाहे हम चुनाव जीतते थे हारते थे, हमने कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनाने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं को अपने गुणों और चरित्र से जोड़ने का प्रयास किया, देश के प्रति समर्पण करने का भाव पैदा करने का प्रयास किया। कार्यकर्ता अच्छा होगा तभी लोकतंत्र अच्छा होगा, इस बात को सोच करके हमने प्रयत्न किया। हमको प्रयत्न में बहुत लंबा समय लगा, ये बात तो तय है, लेकिन उस प्रयत्न के कारण से ही, उस संस्कार के कारण से ही भी, एक सामान्य परिवार में चाय बेचने वाला बच्चा जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो अपने स्वयं के जीवन के गुणों के कारण से, अपने अपने आचरण के कारण से, अपने कार्यशक्ति के आधार पर वह आज दुनिया में नंबर एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये केवल व्यक्ति के शरीर से नहीं दिखता है, उसके गुणों से दिखता है, उसके काम करने के तरीके से दिखता है। आपको 70 साल में से 50 साल मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप टेट हिमालय से उतरे और नीचे आकर खड्डे में गिर गए। अब इसका दोष तुम्हारा है, हमारा तो है नहीं। और अभी भी अगर सुधरना चाहते हो तो अपने आप में अच्छे गुणों को पैदा करने का प्रयास करो, जिसके कारण से देश का तुम और हम दोनों मिलकर भला कर सके। शांति और अहिंसा निदेशालय भी बना है गांधी जी के। शांति और अहिंसा के तो सरकारी पैसा है, इसका मर्जिया जैसा उपयोग करो। इस नाम से भी अपनी दुकान को जमाने का प्रयास कर रहे हो तो करो, लेकिन ये करना उचित नहीं है, क्योंकि गांधी को दफन करने वाले, गांधी के जीवन को, गांधी के व्यवहार को, गांधी के गुणों को, गांधी के आचरण को अगर किसी ने दफन किया, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। अब गांधी के नाम से गांधी परिवार को ऊंचा करना ये तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए इसके आधार पे तुम प्रयत्न करो, करो प्रयत्न। अगर अच्छा काम कर सकते हो तो प्रयत्न में आगे बढ़ो, देश का भला होगा, हमें कोई उससे नाराजगी नहीं है। पर ये केवल और केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने का एक प्रयास कर रहे हो। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान हो या देश हो, कई पार्टियां कई आयोजन कर रही हैं, उन आयोजनों का उद्देश्य क्या है और उन पार्टियों को किस तरह से आगामी सालों में सफलता मिलती है, यह तो समय ही बताएगा। हम और भी चलेंगे, आपको और भी लोगों से मिलाएंगे, क्या कहना है उनका?